17वीं लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं और राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से। रायबरेली से सोनिया गांधी ने भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। उधर बिहार के मधेपुरा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नखलऊ से राजनाथ सिंह और भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर और गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है। इसके साथ ही नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीट पर आगे है। दक्षिण बेंगलुरु से भाजपा के तेजस्वी सूर्य और कांग्रेस के कार्तिक चिदम्बरम तमिलनाडु से शिवगंगा सीट से आगे चल रहे हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के उधमपुर सीट से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद आगे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी आगे हैं। बिहार की पटना साहिब से कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के रविशंकर प्रसाद से पीछे चल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर आगे हैं। बिहार के बेगूसराय सीट पर भाजपा के गिरिराज सिंह आगे और कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। पंजाब के भटिंडा सीट से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, गुरदासपुर से भाजपा के सनी देओल पीछे चल रहे हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 11,252 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय राय दूसरे नंबर पर हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी से पीछे चल रही हैं, जो कि अब तक के शुरुआती रुझान में राहुल गांधी से तकरीबन 6,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अब वो पीछे चल रही हैं। भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर और वायनाड से राहुल गांधी, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जयपुर शहर से भाजपा उम्मीदवार रामचरण वोरा आगे चल रहे हैं। बरेली से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगावार और सारण से राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर पीछे बताए जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भाजपा राजस्थान में 16 और कांग्रेस 1 सीट से आगे है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल से 19 मई तक के 7 चरण की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान 67.11% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के इतिहास में यह सबसे ज्यादा है। इस बार 10 में से 9 एग्जिट पोल एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। एसपीएन 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।